शहर के सीतामढ़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बिशप कॉटन स्कूल में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में बात करते हुए स्कूल की मुख्य अध्यापिका ने बताया कि इस सारे कृत्यों की वजह से स्कूल प्रशासन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को बिशप कॉटन स्कूल जब खोली गई, तब स्कूल की मुख्य अध्यापिका ने पाया कि स्कूल के सारे गमले तोड़ दिए गए हैं। वहीं एक क्लास में शराब की बोतलें उन्हें देखने को मिली। साथ ही हाल ही में बच्चों के लिए स्कूल प्रशासन की ओर से कूलर भी लगवाया गया था, जिसकी अर्थिंग भी निकली हुई थी, जिसके चलते इस बारे में बर्डी पुलिस को इत्तला किया गया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आगे की जांच पुलिस द्वारा जारी है। आज सुबह जब हमने स्कूल खोला तो हमारे ध्यान में आया कि सारे गमले टूटे हुए हैं और सब बिखरे पड़े हुए हैं और मिट्टी इधर उधर पड़ी हुई है। जब क्लासरूम हमने खोला तो हमको दिखा कि झाड़ की डंगाले तोड़कर क्लासरूम में खिड़की से अंदर डाली गई है, क्योंकि क्लासरूम्स बंद थे, सबको ताला लगा हुआ था। तीसरा, जब हमने क्लास खोला तो उस क्लासरूम में हमको दारू की बॉटल्स दिखी, वहाँ पर भी खिड़की खोलकर दारू की बॉटल्स डाली गई। और हमने हाल ही में एक नया वाटर कूलर इंस्टॉल किया है बच्चों के लिए, तो उसकी अर्थिंग भी जो लगाई गई है, अर्थिंग का वायर भी पूरा तोड़ दिया गया है और इस प्रकार का नुकसान स्कूल को किया गया है। अब ये कौन कर रहा, किसने किया, ये तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन जिसने भी किया, क्या उनके प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती और क्या उनके दिमाग में चलता है मैं नहीं जानती, लेकिन इस प्रकार की घटना अगर स्कूल में घट रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। जो भी लोगों के मन में ऐसी गलत भावनाएं आती हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जब हम बच्चों की तरफ कुछ गलत चीज़, बच्चों के लिए कुछ नुकसान पहुँचाते हैं, तो ऐसा सोच हमने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स जब हम चलाते हैं, ये जो स्कूल है ये कायम बिना अनुदानित स्कूल है, बिशप कॉटन स्कूल है, और बच्चों पेरेंट्स के जो फीस आती है उसी से स्कूल चलती है। बहुत कम फीस हम लोग चार्ज करते हैं और उसमें से ही बड़ी मुश्किल से हम लोग पेंडेमिक टाइम में सर्वाइव हुए हैं और बड़े मुश्किल से हम लोग स्कूल चला रहे हैं। पुलिस कंप्लेन हमने किया है, सबसे पहले हमने वही किया, हमने बर्डी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बताया और तुरंत में वहाँ के जो PI है मिस्टर अतुल सबनिस, वो हमारे स्कूल में आए। पूरा उन्होंने पूरी जगह देखी उन्होंने, जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो जिन्होंने भी ये किया है उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और हमारी मदद करेंगे। जी, बड़े खेद के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि स्कूल में हमने 3 बार CCTV इंस्टॉल किया, लेकिन 3 बार उसे तोड़ दिया गया है। और वैसे ही हमने गार्ड्स भी स्कूल में रखे थे, नाइट गार्ड्स को भी मारकर भगाया गया स्कूल से। तो हमने बर्डी पुलिस स्टेशन में इसका कई बार कंप्लेन किया है और पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए उनसे दरख्वास्त की गई थी। पेट्रोलिंग बढ़ी है, लेकिन जब भी कम हो जाती है तो इस प्रकार की हरकत हो जाती है। बता दें कि जब यह हादसा हुआ तब कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर नहीं था। वही अब तक 3 बार स्कूल के CCTV कैमरे तोड़ दिए गए हैं। हालांकि स्कूल में ऐसी घटनाओं का होना कई सवाल या निशान खड़े करता है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।